Good evening everyone. Today we will discuss our next 5 synonyms from the editorial. Okay, so let's do. Our first word is offense. Offense का मतलब होता है crime, illegal या फिर misdeed. ठीक है, ऑफेंस का मतलब है यहाँ पे क्राइम करना या कोई भी चीज जो इलीगल है, जो कि लीगल नहीं है उसको इलीगल बोलते. कोई भी क्राइम इलीगल या मिसडीड. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो हमारा एग्जांपल है जैसे कि कोई ड्राइव कर रहा है विदाउट हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस. ठीक है, तो ये रोड में क्या, ये ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग दिस इज अ क्राइम, दिस इज नॉट लीगल. ठीक है, तो ये इलीगल है. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि द पर्सन इज डूइंग ऑफेंस, मतलब वो क्राइम कर रहे हैं. कम टू द सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड इज फैदम. फैदम का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना या फिर अंडरस्टैंड करना. किसी भी चीज को डीप से समझना, कॉम्प्रिहेंड करना. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एक डेप्थ फाइंडर डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, ओशन में कितना डेप्थ तक वॉटर है उसको हम लोग मेजर करते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसने उसका फैदम चेक किया है, उसको कॉम्प्रिहेंड किया कि डेप्थ ऑफ वाटर क्या है. ठीक है, उस डिवाइस का नाम है डेप्थ फाइंडर. क्लियर है. कम टू द थर्ड वन. थर्ड वन इज इकोलॉजी. इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद द एनवायरमेंट. ठीक है, इकोलॉजी का मतलब होता है, ये एक बायो का टर्म है. ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट. इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है फूड चेन. फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन एक चेन होता है जिसमें कि जैसे कि लेट सपोज कि ग्रास है, तो ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर. ठीक है, ग्रास हॉपर इज ईटन बाय स्नेक, स्नेक इज ईटन बाय ईगल एंड द चेन गोज ऑन. सो फूड चेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोलॉजी. इसमें क्या होता है, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी शो होता है और उनके इंटरैक्शंस विद द एनवायरमेंट भी शो होता है. ठीक है, कम टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन इज अबोवेडली. ठीक है, इसका मतलब होता है पब्लिकली एडमिट करना. किसी भी चीज को पब्लिकली एडमिट करना, पब्लिकली एक्सेप्ट करना. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अबोवेडली. जैसे कि कोई एक पर्सन है और वो किसी को ट्यूशन पढ़ा रहा है. ठीक है, तो उसमें मान लीजिए जैसे वो फिजिक्स ट्यूटर है, तो वो फिजिक्स पढ़ा रहा है किसी स्टूडेंट को, तो वो क्या करता है, हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स के बारे में आप सब जानते होंगे, वो एक ग्रीक फिजिशियन है और उनका जो मेथड्स रहता है वो बहुत अच्छा रहता है फिजिक्स के लिए. ठीक है, तो वो जो ट्यूटर है वो क्या करता है, वो हिपोक्रेट्स के सारे मेथड्स को यूज करता है फिजिक्स पढ़ाने में. तो वो क्या कर रहा है, वो अवॉइडली उनका मेथड्स यूज कर रहा है, मतलब वो पब्लिकली एडमिट कर रहा है कि ही इज गॉड, ही इज ट्राइंग द मेथड्स ऑफ हिपोक्रेट्स इन टीचिंग फिजिक्स. ठीक है, तो अवॉइडली का मतलब है पब्लिकली एडमिट करना या ओपनली एडमिट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना पब्लिकली, यस आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट. ठीक है, फिफ्थ है हमारा ऑडिट. ऑडिट इस वर्ड से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, स्पेशली जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑडिट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन. या फिर इंस्पेक्शन. ठीक है, ऑडिट कब होता है, ये जनरली मार्च के मंथ में होता है. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, एक टीम आता है और वो क्या करते हैं, हर बैंक में ऑडिट का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो लोग चेक करते हैं कि बैंक में कितना मैनेजमेंट उसका क्या है, कैसा उसका रिसीट है, उसका कैसे उसका सारा एनरोल हुआ है रिसीट. ठीक है, वो सब क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे बैंक का सारा प्रोसीजर हो रहा है, सारा कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, रिसीट कैसे उसका फॉर्म हो रहा है, उसका बैंक अकाउंट चेक करते, बैंक स्टेटमेंट चेक करते, इनवॉइसेस चेक करते, बैंक मैनेजमेंट चेक करते और सारा रिसीट चेक करते और ये चेक करते कि बैंक का सारा मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं.
ठीक है, तो ये क्या होता है ऑडिट, ऑडिट मतलब इन्वेस्टिगेट करना या इंस्पेक्ट करना। सो लेट्स रिवाइज इट। ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, इलीगल या मिसडीड, ठीक है। सेकेंड है हमारा फैडम, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना या अंडरस्टैंड करना। थर्ड है हमारा इकोलॉजी, जिसका के मतलब होता है रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। फोर्थ है एवोवेडली, जिसका मतलब है पब्लिकली एडमिट करना या ओपनली एडमिट करना किसी भी चीज को। फिफ्थ है हमारा ऑडिट, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन। क्लियर है? थैंक यू।